नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। खबर निकल के आई है बिहार के छपरा जिले से, जहां पे ऑर्केस्ट्रा संचालक के यहां पुलिस ने छापेमारी की। घटना जो है छपरा के गौरा बाजार का है, जहां पे 25 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है और वहीं 5 ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान छापेमारी में राष्ट्रीय बल संरक्षण आयोग, बाल कल्याण आयोग, रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली, स्थानीय गौरा पुलिस तथा जिला पुलिस बल के सदस्य मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान पूरे गौरा बाजार में हरकंप मचा रहा। इस दौरान 5 ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। नाबालिग लड़कियों को चुंगल में फंसाकर ऑर्केस्ट्रा में डांसर का काम करवाते थे और गलत तरीके का भी काम करवाया जाता था, जिसके बाद पुलिस जो है इन 25 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुलों से मुक्त कराया है। वहीं मौजूद अधिकारी सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। हम लोग मराड़ा प्रखंड के जो लड़की का जो केस चल रहा था बंगाल में, ये कौन बजा था जी, दयाल, तो वहाँ से हम लोग उस बच्ची को बरामद किए हैं। हम लोग सक्सेस हो गए हैं और हम लोग का अंदाज़ा भी नहीं था। हम लोग ये सोचे थे कि गौरा बाजार पर हम लोग को 2-4 बच्ची नाबालिग मिलेगी, मगर हमारे ख्याल से 20-25 ऐसी लड़की जो है माइनर है, जो ये लोग गलत ढंग से ऑर्केस्ट्रा में लाकर कुछ पैसा के लोभ में ये लोग करवाते हैं। और उस बच्ची को हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं मरौरा थाना, और वहाँ जो माइनर लड़की होगी उस लड़की को हम लोग लेकर चले जाएंगे जिला बाल कल्याण समिति। वहाँ से उस बच्ची को हम लोग बालिकागिरी में रखेंगे और उनके परिजनों को फोन कर बुलाकर उस बच्ची को हम लोग सौंप देंगे। मेरा नाम अखिलेंद्र सिंह। अपने अधिकारी सुशील कुमार को सुना, जिन्होंने बताया कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक परिवार ने राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग को शिकायत दी थी। उनके परिवार से 2 नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके ऑर्केस्ट्रा में नृत्य कराया जा रहा था, जिसके बाद ये लिंक पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था। और पुलिस छापेमारी करते करते छपरा पहुंची और छपरा के गौड़ा बाजार से 25 नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा के चुंगलों से निकाला है। आपको बता दें कि इसका सत्यापन करने के बाद यह कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के संज्ञान में आने के बाद बाल कल्याण समिति की टीम ने छापेमारी की। वहीं आपको बता दें कि परिवार को सूचित भी किया गया है। इसके बाद अन्य ऑर्केस्ट्रा संचालक के यहां छापेमारी भी की गई, जिसमें 25 से अधिक नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है और उन पर भी अब 5 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे कार्रवाई चल रही है। सभी नाबालिग लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। तो आपको बता दें कि छपरा का गौड़ा बाजार का कांड है, जहां का लिंक जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जहां पे एक ही परिवार की 2 लड़की जो है अपहरण हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने बाल कल्याण, राष्ट्रीय बाल कल्याण में रिपोर्ट लिखवाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और छापेमारी करने के बाद छपरा से 25 नाबालिग लड़की को बरामद किया है, ऑर्केस्ट्रा के चुंगलों से मुक्त कराया है। तो 5 लोगों को, 5 ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और बाकी जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको मेडिकल जांच के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।